हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली होता रहता है इंसानों को, और हमारी स्टडीज़ में पाया गया है कि 10 मिलियन पीपल पर ईयर इस बीमारी से सफ़र करते हैं, पर लोगों को मालूम ही नहीं होता है उन्हें क्या हुआ है। सो ये टॉपिक है अर्टिकेरिया, मतलब जो कि आम भाषा में हम कह सकते हैं पित्ती उछलना। पित्ती उछलना को हाइव्स भी कहते हैं। अब पित्ती उछलना बहुत ही सामान्य सी बीमारी है, कभी ना कभी आपको भी ये पित्ती उछलने का जो लक्षण है आया होगा शरीर पर। अब ये लक्षण आप किसी की बॉडी पर बहुत ज़्यादा आता है, किसी की बॉडी पर बहुत कम आता है, तो उसके बेसिस पे बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। तो उससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि पित्ती में आपको लक्षण क्या आते हैं, मतलब अर्टिकेरिया के क्या सिम्टम आपकी बॉडी पर आते हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप अर्टिकेरिया की डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं। सो अर्टिकेरिया हाइव्स, इसमें लक्षण सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी पे फ्लैट स्वेलिंग आएगी, मतलब दाफड़ आने लगेगी, आपको खुजली आने लगेगी, आपको जहाँ पर दाफड़ आया वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन भी महसूस हो सकती है। अब ये जो खुजली होती है इन दाफड़ में बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत तेज़ी तीव्र गति से होती है। और अर्टिकेरिया की सबसे अलग बात ये होती है कि अर्टिकेरिया कुछ टाइम में खुद से ठीक हो जाता है, मतलब अगर आपको अभी दाफड़ आए 10 से 15 मिनट, या फिर अगर ये डिज़ीज़ क्रोनिक स्टेज में पहुंच चुकी है तो एक घंटे लगभग 2 घंटे रहेगी आपकी बॉडी पर, स्किन पर, और उसके बाद ये सबसाइड हो जाएगी, खुद से सबसाइड हो जाएगी। और सबसे अलग बात इस बीमारी की यह होती है कि जो बीमारी के जो लक्षण होते हैं आपकी स्किन पर, जो दाफड़ आते हैं, हाइव्स के जो व्हील्स हम मेडिकल टर्म में जो यूज़ करते हैं, जो व्हील्स बनते हैं, वो 10 से 15 मिनट किसी बॉडी पर रह सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो क्रोनिक डिजीज़ की स्टेट में आ सकते हैं। मतलब कि अगर आपको एक्यूट, मतलब थोड़ी देर के लिए दाफड़ आए, अर्टिकेरिया के सिम्टम आए और वो खुद से सबसाइड हो गए, खुद से ठीक हो गए, तो वो एक्यूट स्टेज हुई। अब बार बार आपको रिपीटेडली ये अर्टिकेरिया के सिम्टम अपनी बॉडी पे दिख रहे हैं, दाफड़ आ रहे हैं, खुजली हो रही है, बर्निंग सेंसेशन वहाँ पे हो रही है, तो समझ जाइए आपकी जो डिजीज़ है क्रोनिक स्टेज में डेवलप कर चुकी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्टिकेरिया होता क्यों है। चलिए, आपने जान लिया कि अर्टिकेरिया में लक्षण क्या आते हैं, तो अब जानते हैं अर्टिकेरिया होता क्यों है। तो अर्टिकेरिया आम भाषा में लोग कह देते हैं कि एलर्जी हो गई, खून में कोई एलर्जी है, या फिर कुछ फूड प्रोडक्ट्स है ऐसी हमें एलर्जी है कि हम उस फूड प्रोडक्ट के लिए एलर्जिक है। जैसे कुछ लोग एग के लिए एलर्जिक होते हैं, अगर उन्होंने एग खाया तो उनको अर्टिकेरिया के सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। कुछ लोग किसी टेम्परेचर से एलर्जिक होते हैं, मतलब अगर आप पहाड़ी इलाके में गए और आप ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड से एलर्जिक है, तो आपकी कभी ना कभी, आपने भी अपनी लाइफ में फेस किया होगा कि आपकी बॉडी पे खुजली होने लगती है, दाफड़ आने लगते हैं, अर्टिकेरिया के सिम्टम आने लगते हैं, तो वही होता है कि आपकी बॉडी पे अर्टिकेरिया का अटैक हो रहा है। नेक्स्ट है कि कुछ लोग ये भी फील करते हैं कि जैसे मौसम बदलता है तब भी उनको अर्टिकेरिया के अटैक आ सकते हैं, और मेन जो रीज़न होता है इसका होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब एक बहुत ही लंबे टाइम से एक पेशेंट अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है जिसमें वो स्ट्रेस है, टेंशन में उसका लाइफस्टाइल रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो बीमारी है, उसका जो मेंटल स्टेट ऐसा हो चुका है कि उसकी बीमारी सप्रेस हो रही है, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा है, तो उसकी बॉडी एक रिएक्शन देने लगती है, और वो रिएक्शन क्या होता है कि उनकी बॉडी पे खुजली होने लगती है, अर्टिकेरिया के सिम्टम आने लगते हैं, दाफड़ आने लगते हैं, व्हील्स बनने लगते हैं, और अगर वो ऐसे भी अपनी बॉडी पे स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पे भी निशान पड़ जाता है। तो ये हुई कि कॉजेज क्या होते हैं अर्टिकेरिया के। तो अर्टिकेरिया बहुत ही सामान्य सी बीमारी है, बहुत जल्दी से ठीक भी हो सकती है अगर इसका इलाज सही से हुआ है और सही टाइम पर हुआ है, वरना ये बीमारी 10 साल 15 साल या फिर उम्र भर आप इस बीमारी से फेस करते रहेंगे, और बाद में आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा कि आपको एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब वो एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आपकी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ सप्रेस करेगी, वहीं पर टेम्परेरी रिलीफ देगी। तो अगर अर्टिकेरिया से सफ़र आप कर रहे हैं तो ये मत कीजिए कि एंटी एलर्जिक, एक अगर आपको आज अटैक आया और आपने आज एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा ली, ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी रिलीफ हुआ, इसको
जड़ से ठीक कीजिए, ताकि जो इसका कॉज है, जो जिसकी वजह से अर्टिकेरिया आपकी बॉडी पे डेवलप हो रहा है, वो हम ठीक कर पाए। सो आई होप आप अर्टिकेरिया समझ गए होंगे और अपनी बीमारी का डायग्नोसिस आप खुद करके जल्दी से उसका सही तरीके से इलाज शुरू करवाइए। थैंक यू।